एनजीटी के सख्त आदेश हैं कि नदी नालों में किसी भी तरह की गंदगी ना बहाई जाए, किसी भी तरह का सीवेज नदी नालों के पानी में ना जाए, मगर प्रदेश के दूसरे बड़े शहर मंडी में सरेआम सुकेती खड में सीवेज और मलबा डाला जा रहा है। सरेआम प्रशासन, पुलिस, वन विभाग और आईपीएच विभाग की नाक तले ये खेल खेला जा रहा है। लगता है कि जनता की शिकायतों पर सीवेज सिस्टम की देखरेख कर रहा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग लाचार हो गया है। हास्यपद बात तो तब हो गई कि आईपीएच विभाग सीवरेज की गंदगी को रोकने के लिए बोरियों का सहारा ले रहा है। टूटी हुई सीवरेज की लाइनों को बोरियों के साथ बांधा गया है, लेकिन गंदगी फिर भी बाहर आ रही है और सीधे सुकेती खड में जाकर प्रदूषण फैला रही है। लोगों का कहना है कि सीवरेज लाइन के टूटे होने के कारण सारी गंदगी नीचे गिर रही है, जिससे उनका जीना मुहाल हो गया है। वे लोग बदबू के कारण बीमारी का शिकार हो जाएंगे और एक तरह से नारकीय स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन विभाग पूरी तरह से लापरवाह बना हुआ है। वहीं इस बारे में आईपीएच विभाग के अधीक्षण अभियंता हंसराज सैनी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पुरानी लाइन को जल्द ही मरम्मत करवा दी जाएगी और नई लाइन को जल्द से जल्द शुरू करने के दिशा निर्देश भी कर्मचारियों को दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि ठेकेदार की लापरवाही के कारण लाइन शुरू करने में देरी हुई है और इसके लिए ठेकेदार को जुर्माना भी लगा दिया गया है। आपने सुबह कभी 6 बजे से लेकर 9:30 बजे तक यहाँ आना हमारे घर की तरफ, हम नर की जिंदगी जी रहे हैं यहाँ। और जब से सीवरेज शुरू हुई है, कब से शुरू हुई है, हमने तब से अपने घर का जो सीवरेज का कनेक्शन है वो ले रखा है। और हमारे घर के यहाँ आंगन में सुबह मतलब कोई पूरी सनियारडी, पूरा कुनार रोड जितना भी गंद है यहाँ गिरता है सुकेती में। हमारी कोई सुनवाई नहीं, हम कंप्लेन करते हैं, आते हैं, बंदे क्या करके जाते हैं क्या नहीं करके जाते हैं, आज करके जाना उन्होंने, जब सुबह में 6 बजे उठना तो फिर ये गंदगी सुकेती में भी होती है। और हमारा घर बाहर निकलना दुर्लभ हो गया हमारा, धूप में कैसे बैठना, हमने पूरा दिन यहाँ बदबू मतलब बैठ नहीं सकते घर में। सीवरेज की लाइन टूटी हुई है और उसको बार बार हम कंप्लेंट करते हैं। कुछ दिन के लिए जो है वो कमेटी वाले जो जिसके अंडर ये आता है उनको भेज देते हैं, परंतु फिर कुछ दिनों के बाद फिर वही समस्या आ जाती है और इसके कारण जो है मक्खियां जो है हमारे ऊपर टेरेस के ऊपर आ जाती हैं, बच्चों के कपड़ों के ऊपर बैठती है, जिससे जो बीमारी की बड़ी मतलब बच्चों को बीमारी की बड़ी समस्या होगी। बार बार यहाँ पर डस्टिंग हो जाती है,